तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, लास्ट वाले एपिसोड में हमने पूरे के पूरे 10 मिलियन डॉलर्स का एक बड़ा सा शोरूम परचेस किया था लॉस एंटोस में। और क्योंकि माइकल ने सोचा था उसको कार का बिजनेस स्टार्ट करना है, इसलिए हमने पूरे के पूरे 5 मिलियन डॉलर्स की बाहर के सिटी से गाड़ियाँ इम्पोर्ट करी थी। और उसकी कल हम डिलीवरी लेके आ चुके हैं एयरलाइन से, और वो गाड़ी हमने सेट कर दी हमारे शोरूम में। बट मैंने कल आपको एक और चीज़ बताई थी कि हमने सुपर कार्स भी मंगाई है बाहर के सिटी से। तो वो दोनों के दोनों सुपर कार्स की डिलीवरी आ चुकी है हमारे एयरलाइन पे, और फ्रैंकलिन वहाँ पे हमारा वेट कर रहा है। तो फिर अभी थोड़ी देर में गाइज हमको हमारे दोनों की दोनों सुपर कार्स की डिलीवरी लेने जाना है। उससे पहले हम बेनिज मोटर वर्क आए थे, क्योंकि हमने सोचा था कि हमारी ड्रोन बाइक को हम पूरी तरह से मॉडिफाई कर देते हैं। तो फटाफट से चलते हैं बेनिज मोटर वर्क, और फिर उसके बाद चलेंगे हम की डिलीवरी लेने। तो अभी हम आ चुके हैं बेनिज मोटर वर्क अंदर, तो फटाफट से हमारी गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं हम। तो हम उसको इंजन उसका मैक्स कर देंगे, मैक्स इंजन लगा देंगे, और उसके बाद उसमें ब्रेक्स पूरी तरह से मैक्स कर देंगे, आ देंगे हम मैक्स आर्मर। तो बस गाइज हमको इतना ही करना था मॉडिफाई। तो हमने हमारी ट्रोन बाइक को मॉडिफाई कर दिया है पूरी तरह से, और हमारी ट्रोन बाइक आ चुकी है बाहर। तो अभी फटाफट से चलते हैं एयरलाइन, क्योंकि हमारे दोनों की दोनों सुपर कार्स की डिलीवरी आ चुकी है। और फ्रैंकलिन मेरे को कब से कॉल कर रहा है कि भाई तुम आ जाओ जल्दी से, दोनों की दोनों सुपर कार्स की डिलीवरी आ चुकी है हमारी। तो फटाफट चलते हैं। ये रहा ये वेयर हाउस, ये वेयर हाउस में आ चुके हैं, तो मैंने मार्क कर दिया अभी। तो फटाफट से चलते हैं अभी हम। और जैसे कि आपको पता ही होगा, लास्ट वाले एपिसोड में हमने सारे के सारे सुपर जो हमारी नॉर्मल कार्स थी उनकी डिलीवरी हम हमारे शोरूम में लेके आ चुके थे, और अभी हमने उन सारी कार्स को पूरी तरीके से सेट कर दिया है। तो अभी हमारा शोरूम ऑल सेट हो गया है, परफेक्ट हो गया है। बट तो जैसे कि मैंने बोला कि हमने दो नई सुपर कार्स मंगाई है, वो बहुत ही तगड़ी लग रही है गाइस, दोनों की दोनों बहुत तगड़ी कार्स है। तो आप देख फटाफट वो वाले एयरलाइन जहाँ पे हमारी दोनों की दोनों गाड़ी आ चुकी है। और हम थोड़ा सा लेफ्ट वाले एयरलाइन से जाना चाहिए था, बट हम राइट वाले एयरलाइन से आ चुके हैं अंदर। तो कोई दिक्कत नहीं, वो रहा सामने वेयर हाउस जहाँ पर हमारी डिलीवरी आ चुकी है। और फटाफट से चलते वो गाड़ियों की। तो गाइज आप देख ही पा रहे होगे, हमारे दोनों की दोनों सुपर कार्स की डिलीवरी आ चुकी है अभी, फरारी और दूसरी गाड़ी है ये लैम्बोर्गिनी सेंटिनारियो। तो फटाफट हम दोनों की एक बार ड्राइव देखते हैं कैसी लगती है। तो फटाफट हम दोनों गाड़ियों के एक एक चक्कर मार के आते हैं, फिर फटाफट से हम इन दोनों गाड़ियों को लेके चलेंगे शोरूम। तो गाइज 160 100 आराम से ही चली जाएगी, बट अभी हम ज़्यादा नहीं इसको एज। बट गाइज मेरे को फरारी से ज़्यादा लैम्बोर्गिनी ज़्यादा पसंद आती है। तो अभी हम लैम्बोर्गिनी की भी एक राइड लेके आते हैं, फिर फटाफट से चलते हैं हमारे शोरूम, हमारी लैम्बोर्गिनी की भी एक राइड लेके आते हैं। तो वैसे तो बहुत ये गोल्डन कलर बहुत सूट कर रहा है लैम्बोर्गिनियों पे। तो फटाफट एक राइड मार के आते हैं अभी हम। तो ये तो गाइस देखो आप, स्पीडोमीटर पे ध्यान रखो गाइस, ये 200 क्रॉस कर देगी। इसका मतलब वैसे पिकअप बहुत तगड़ा है, और हम ज़्यादा तेज़ नहीं भगा सकते गाड़ी को, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, ये शोरूम के लिए लाए हैं हम, तो ज़्यादा तेज़ नहीं भगाएंगे। तो फटाफट से, वैसे बहुत तगड़ा पिकअप है इस गाड़ी का, देखने में चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी फटाफट से चलते हैं हम। मैं अभी दोनों गाड़ियों को हमारे ये ट्रेलर में लोड कर देता हूँ, फिर फ्रैंकलिन इन्हें लेके हमारे शोरूम में चला जाएगा। इनसे बात हो चुकी है, और वो अभी हमारी गाड़ियाँ लेके पहुँच रहा है शोरूम। तब तक हम चलते हैं अपनी ट्रोन बाइक लेके, पिछली बार हम यही भूल गए थे, इसलिए फटाफट हम ट्रोन बाइक से जाएंगे और फ्रैंकलिन हमारी गाड़ियाँ लेके आ जाएगा पीछे से। तो अभी हम चलते हैं फटाफट शोरूम पहुँचते हैं, फ्रैंकलिन भी आता ही होगा पीछे से। चलते हैं फटाफट से, फ्रैंकलिन तो पीछे आ ही रहा है हमारे, आ ही रहा है ना भाई, रुको एक बार देख लेते, फ्रैंकलिन आ ही रहा है ना हमारे पीछे। हाँ तो भाई फ्रैंकलिन तो आ ही रहा है पीछे, तो चलते हम फटाफट से। तब तक हम शोरूम देखते, तब तक फ्रैंकलिन पीछे से आ जाएगा। तो चलते अभी हम पहले और फटाफट। ओ भाई भाई थोड़ा सा हल्का बचा मैं तो अभी ज़्यादा दूर नहीं बचा, वैसे स्पीड भी 180 जा रही है, 180 170। इस बस हमें आगे वाले टर्न से राइट लेना है, और आगे हमारा शोरूम आ चुका है। तो चलते फटाफट, ये शोरूम आ चुका है हमारा, ये राइट लिया और ये रहा हमारा शोरूम। तो फटाफट से हम आपको गाड़ियाँ वगैरह दिखा देते हैं, हमने कैसे सेटअप किया है हमारी गाड़ी का। भाई यही पार्क कर देते हैं, तो फटाफट हम देखते हैं, देख लेते हैं। तो ये रही हमारी गाड़ियाँ, तो ये सारी गाड़ियाँ हमने सेटअप कर दी यहाँ पे अच्छे से। तो ये तो वैसे नॉर्मल नॉर्मल स्पोर्ट्स कारें हैं, ये एक है, ये थोड़ी अच्छी है, ये कार भी थोड़ी अच्छी है, ठीक ठाक है। और आगे चले तो ये जोनो ट्रेनो, ये एक तगड़ी कार है,
और ये आगे ये विंटेज लेटेस्ट विंटेज कार, और फिर ये मर्सिडीज है, इधर मॉडिफिकेशन के लिए लगा दी है, तो एक गाड़ी तो आ गया है, बाकी हो गई लगता है मॉडिफिकेशन। तो हमने ये मिस्टर बीन वाली भी गाड़ी मंगा के रखी है, तो इसका भी मॉडिफिकेशन होगा थोड़ी देर में। तो कल गाइज हम ये वाला पार्ट देखना भूल गए थे, तो यहाँ पे हम पेंट वेंट कर सकते हैं, तो ये वाला पार्ट भी है हमारे। तो गाइज हमारे दोनों के दोनों गाड़ियाँ आ चुकी हैं अभी, तो अभी हम इनको भी सेट कर देते हैं वैसे हमारे शोरूम में। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ये बीच में रखते हैं ये गाड़ी, ये अच्छी लगेगी। हमारी दूसरी गाड़ी लेके आते हैं अभी हम, तो मतलब जैसे ही लोग आएंगे पहले उनको ये लैम्बोर्गिनी और फरारी दिख जाएगी। और वैसे हमारी बाकी की कार्स भी वैसे अच्छी है, 5 मिलियन डॉलर्स की, और बाइक्स भी आने वाली है, वो बाइक्स कल तक आ जाएगी हमारी, और फ्रैंकलिन लेके आ जाएगा और वो यहाँ पे रख देगा, पे फ्रैंकलिन यहाँ का संभाल लेगा। तो अभी हम चलते हैं फटाफट से, घर निकलते हैं। तो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।